किसान साथियों, कोरोना का कहर थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जब आवश्यक हो तभी घर से निकलें और बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और कोई भी काम करने के पश्चात कम से कम हाथ अवश्य धोएं और थोड़ी दूरी बनाकर रखें। आप स्वस्थ रहेंगे, ये मैं भगवान से कामना करता हूँ। किसान साथियों, आप सब ने मई में कटिंग की होगी, मैंने भी कटिंग की थी और अब उसमें 4 या 5 पत्ती निकल चुकी होंगी और आप देख रहे होंगे कि देखिए कलियां भी शुरू हो गई होंगी इसमें। अब हमें इन पौधों की अगले 40 दिन में क्या देखभाल करनी है, आज मैं आपको ये बताऊंगा। इसे बताने से पहले मैं आपको कुछ दवाइयों के नाम दे रहा हूं, जिन्हें आप नोट कर लें एक कागज पर, जिनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। पहली है NPK 12160, जो आपको 5 ग्राम प्रति लीटर की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी है NPK ही 052234, ये भी 5 ग्राम प्रति लीटर की आवश्यकता पड़ेगी हमें 2 स्प्रे में। बोरोन 1 ग्राम प्रति लीटर की आवश्यकता होगी। चिलेटेड जिंक 2 ग्राम प्रति लीटर की आवश्यकता होगी। माइक्रो न्यूट्रेंट 1 ग्राम प्रति लीटर की आवश्यकता होगी। एम्प्लीगो एक दवाई आती है सिजेंटा की, बहुत अच्छी दवाई है, 0.4 ml यानी 0.4 ml 10 लीटर में कुल 4 ml की आवश्यकता होगी। फिप्रोनिल एक इंसेक्टिसाइड है और वो बायर का रिजेंट के नाम से भी आता है, इसकी हमें 2.5 ml प्रति लीटर की आवश्यकता होगी। मैग्नीशियम सल्फेट 5 ग्राम प्रति लीटर की आवश्यकता होगी। प्रोपिकोनाजोल जो एक बहुत अच्छा फंगिसाइड है और जो बरसात में एक फंगस की बहुत भयंकर बीमारी आती है एंथ्राक्रोनोज, उसके लिए कारगर उपाय है। ये टिल्ट के नाम से भी आता है, बायर का टिल्ट के नाम से भी आता है, आप उसे भी ले सकते हैं या किसी भी कंपनी का प्रोपिकोनाजोल ले लें 2 ml प्रति लीटर। अवतार इंडोफिल का एक बहुत अच्छा फंगिसाइड है जिसका केमिकल है जीनेप 68% और हेक्साकोनाजोल 4%, इनकी हमें आवश्यकता होती है। और एक दसवां है हमारा एंट्राकोनोल, बायर का एंट्राकोनोल जिसमें प्रोपिनेब होता है, बहुत अच्छा फंगिसाइड है, किसी भी कंपनी का ले लें, इसमें प्रोपिनेब 70% WP होता है, तो आप किसी भी कंपनी का ले लें। कागज पर बैठे 4 स्प्रे में कितनी कुल दवाई लगेंगी उनको एक बार बाजार से खरीद लाएं और पहला स्प्रे अपने पौधों पर तुरंत करें अगर उनमें कलियां निकलनी शुरू हो गई हैं। इन स्प्रे की आवश्यकता कलियां निकलने से लेकर और फल बनने तक होती है और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इनको अपनाएंगे तो आपके पौधे किसान साथियों स्वस्थ होंगे। अभी मैंने इन पौधों की थिनिंग नहीं की है, कल्ले नहीं हटाए हैं, अभी लगभग 15 दिन बाद मैं इनके थिनिंग करूंगा, जितनी आवश्यकता होगी उतनी करूंगा। ये मेरा जो है ग्राफ्टिंग वाला ताइवान पिंक का पौधा है जो मैंने जयश्री नर्सरी से मंगाया था और इसमें बहुत फ्रूटिंग आती है, आप देखिए इस प्रकार कलियां बननी शुरू हो गई, कलियां निकलनी शुरू हो गई, तीसरी पत्ती से निकलती हैं, ये पहली पत्ती है, ये दूसरी है, तीसरी पर आ गया, चौथी पर आ गया और इसमें पांचवी पर भी आएगा। पांचवी पर कुल 20% या 10% ही कलियां आती हैं, नहीं तो तीसरी और चौथी पर ही आती हैं। किसान साथियों, तुरंत अगर आपकी कलियां निकलनी शुरू हो गई तो कल ही या आज ही ये पहला स्प्रे करें। पहले स्प्रे में आपको चाहिएगा NPK 12160, इसमें मिलाएं बोरोन, इसमें मिलाएं एम्प्लीगो और इसमें मिलाएं प्रोपिकोनाजोल 25% जो टिल्ट के नाम से भी आता है और कहीं भी कंपनी बनाती है। इन चारों को एक साथ मिलाइए, सुबह या शाम के समय स्प्रे कीजिए अपने पौधों पर और फिर आप इनका 1 सप्ताह बाद कमाल देखना शुरू करिए। दूसरा स्प्रे होगा पहले स्प्रे के 10 दिन बाद। ध्यान रखें, एक कॉपी पेन लें, सारी दवाई उस पर लिख लें, उनकी मात्रा की गणना करें कितनी मात्रा चाहिए और पहला स्प्रे कब किया है इस बात का ध्यान रखें। और अब चलिए दूसरे स्प्रे की ओर, जो किसान साथियों दूसरा स्प्रे में भी NPK 12160 होगा और माइक्रो न्यूट्रेंट 1 ग्राम प्रति लीटर होगा। माइक्रो न्यूट्रेंट हम केवल दूसरे स्प्रे में ही प्रयोग करेंगे, तो इन दोनों को मिलाकर
स्प्रे कीजिए पहले स्प्रे के 10 दिन बाद और फिर एक सप्ताह बाद। अब आप देखना शुरू करेंगे कि आपके पौधे और फूल और फलों में क्या किसान हो रहा साथियों है? तीसरा स्प्रे बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारी जो फूल पूरे खिले हुए होंगे आपके और कुछ छोटे छोटे फल भी बनने शुरू हो गए होंगे और इस समय फल मक्खी का बहुत प्रकोप होता है, तो इसमें स्प्रे में मात्रा होगी। अब NPK 052-34 होगा, फिप्रोनिल लेंगे आप और इसमें मिलाएंगे बोरोन, मैग्नीशियम सल्फेट, चिलेटेड जिंक और अवतार इंडोफिल का जो फंगिसाइड होता है, इन छः के छः को एक साथ मिलाकर आप स्प्रे करिए। मात्रा मैंने पहले ही बता दी है, प्रत्येक दवाई की सबसे पहले बताइए, उसी मात्रा में लीजिए और छः के छः को इनको मिलाकर स्प्रे कीजिए इनको। फिर अगला जो स्प्रे होगा, चौथा स्प्रे होगा, वो होगा इसके 10 दिन बाद। ये हमारा अंतिम स्प्रे होगा, कॉपी में नोट कर लीजिए। और चौथा स्प्रे करिए 052-34 5 ग्राम प्रति लीटर, बोरोन 1 ग्राम प्रति लीटर। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि किसी से पूछ लीजिए, अगर आपके पौधे स्वस्थ हैं तो आप एंट्राकोनोल जो फंगिसाइड है वो कर लीजिए, अगर कहीं जरा सा भी आपको एंथ्राकोनोज का लगता है या ह्यूमिडिटी अधिक है या बारिश ज़्यादा हो रही है तो टिल्ट को दोहरा दीजिए, यानी प्रोपिकोनाजोल 25% को ही करिए और एंट्राकोल को छोड़ दीजिए। इसमें ये तीन दवाइयाँ होंगी। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो पहले स्प्रे में हमने टिल्ट किया है, प्रोपिकोनाजोल किया है, ये आपके पौधों में पत्तों पर जो ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं, जो बैंगनी कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, वो नहीं होगा और बरसात के लिए आपको एंथ्राक्रोनोज से ये रक्षा करेगा। अगर आपके यहाँ पिछले वर्ष एंथ्राक्रोनोज की बीमारी आई है तो इसको ध्यान रखिए कि चौथे स्प्रे में इसको करिए, वहाँ पर एंट्राकोल छोड़ दीजिए और 052-34 और बोरोन के साथ एक बार टिल्ट और कर लीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप इस बीमारी से निजात पा जाएंगे। किसान साथियों थोड़ा ध्यान रखिए, चारों स्प्रे करिए और आप देखेंगे कि आपके पौधे कितने स्वस्थ होंगे और फल कितने अच्छे होंगे। किसान साथियों ये था मेरा एक प्रेजेंटेशन आपके कलियां निकलने के बाद पौधों की सुरक्षा पर। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं अपने कैमरामैन जो मेरे सहायक हैं, जो मुख्य कार्यकर्ता हैं मेरे खेत पर, जो कटिंग भी करते हैं मेरे साथ में, जो स्प्रे का टोटल काम संभालते हैं, जो नर्सरी का भी टोटल देखभाल करते हैं, वो सर्वे सर्वा हैं और वो हैं मेरे कैमरामैन जॉन कुमार। अपने कैमरामैन जॉन कुमार के साथ मैं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी आप सबसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।